आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी लिम्फोसाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज एज वेल एज इसके सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा आने वाला लेक्चर जो है वो बी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट एज वेल एज एक्टिवेशन पे होगा। इस वीडियो में हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जिसपे बहुत से एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें बहुत कुछ आपको मेमोरी बेस्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन वेरी ऑब्वियस अगर आप उनको ध्यान से करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 24। इससे पहले टोटल 23 लेक्चर्स जा चुके हैं, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बी सेल के बारे में या बी लिम्फोसाइट के बारे में, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं। तो जैसे कि अगर इन केस आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर से पूरा इम्यूनोलॉजी का सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि बी सेल कहाँ से डेवलप होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कवर करना चाहूँगी ताकि आपको छोटी मोटी सी चीज़ें याद आ जाएं। जैसे कि हमने देखा था कि जो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल है वो आगे चल के माइलॉइड सेल एंड लिम्फोइड सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जिनमें से हमने माइलॉइड सेल को देखा था कि वो इनेट इम्यूनिटी में मदद करते हैं, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स करवाने में मदद करते हैं, जबकि लिम्फोइड सेल जो हैं ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाने में मदद करते हैं। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा रिस्पॉन्स या एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जिसे आप एडॉप्ट करते हैं जब आप मेनली आज जब आपका बर्थ हो चुका होता है और आप किसी एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं, तो उसके बाद जो आप एक इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं वो एडेप्टिव कहलाता है, ठीक है। तो लिम्फोइड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो लिम्फोइड सेल्स में चले आते हैं नेचुरल किलर सेल एंड लिम्फोसाइट्स। तो हम मेनली लिम्फोसाइट्स पर फोकस करेंगे क्योंकि लिम्फोसाइट के ही एक टाइप है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को ही बी सेल कहा जाता है और आज का डिस्कशन हमारा बी सेल या बी लिम्फोसाइट पे ही है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि बी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोइड सेल, राइट, और ये मेनली फेमस है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवाने में। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बी सेल है इनका सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन का लोकेशन क्या होता है। तो ये सिंथेसाइज एंड मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो ये बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस में इनका मेनली डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन देखा जाता है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो ये बोन मैरो में ही सिंथेसाइज एज वेल एज मैच्योर होते हैं। तो ये जो आपको बी दिख रहा है ना, बी लिम्फोसाइट का बी, वो इसी बी से आया है, ठीक है, क्योंकि इनका सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन का लोकेशन बोन मैरो है। तो बी फॉर बोन मैरो, बोन मैरो में सिंथेसाइज एंड मैच्योर होने वाले सेल को हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट का नाम देते हैं। ये हो गया इनका ओरिजिन की कहानी। ऑल दो ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे मैच्योर होते हैं, इसके बारे में मैं अपने आने वाले लेक्चर में बात करूंगी, ठीक है। अब बी सेल को देखा जाए तो बी सेल जो है वो दो टाइप के फॉर्म में पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म, जिसका नाम है BCR यानी बी सेल रिसेप्टर, और एक होता है सिक्रेटेड फॉर्म जिसका नाम है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल का मेनली काम होता है एंटीबॉडी को सिक्रीट करवाना। इसीलिए प्लाज्मा सेल को हम एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल का भी नाम देते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ एक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो बॉडी में पाई जाती हैं, और मेनली जब कोई एंटीजन इनकाउंटर करता है तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सेल का दो फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। अगर BCR मेम्ब्रेन पे अटैच है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड बी सेल के फॉर्म में दिखेगा, और अगर बी सेल का कन्वर्जन प्लाज्मा सेल में हो जाता है तो वो सॉल्युबल फॉर्म या सिक्रेटेड फॉर्म कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि बी सेल के मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे BCR कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर, और इसी के सिक्रेटेड या सॉल्युबल फॉर्म को हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। और प्लाज्मा सेल और भी सॉल्युबल फॉर्म में कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करता है जिसे हम एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स का नाम देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे चली आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लाइफ साइंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इस लेक्चर को इस बेसिस पे बनाया जा रहा है कि आपका CSINT, GATE, DVT, ICMR, TYFER जितने भी एग्ज़ाम में इम्यूनोलॉजी पूछी जाती है उतने एग्ज़ाम में ये लेक्चर्स आपकी मदद कर सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बी सेल रिसेप्टर की, सॉरी बी सेल के प्रॉपर्टीज़ की या बी लिम्फोसाइट्स के प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले बी सेल जो है ये बहुत ही अच्छे एपीसी होते हैं। एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो एंटीजन को अपने सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इस तरीके से बोलना चाहूँ, मान लीजिए दिस इज अ सेल, दिस इज अ बी सेल, और इसके सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है मान लेते हैं, और ये अपने सरफेस के रिसेप्टर पे जो है ये इस तरीके से मान लेते हैं ये एंटीजन है, इसको अगर प्रेजेंट कर रहा है, ये सरफेस का रिसेप्टर BCR नहीं है, कुछ और रिसेप्टर है ये, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बी सेल के सरफेस पे रिसेप्टर है और जिससे कि ये एक एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? बॉडी के बाकी इम्यून सेल्स को। तो क्योंकि ये बी सेल प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी इनको हम शॉर्टकट में एपीसी का नाम, एपीसी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो बी सेल जो है बहुत ही अच्छे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी माने जाते हैं। इनके सरफेस पे एक प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, या रादर टू से एक प्रोटीन का क्लास एक्सप्रेस होता है, जिसे हम बोलते हैं MHC2, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। MHC पे भी आने वाले टाइम में मेरा लेक्चर आएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये एक रिसेप्टर है जो कि अपने सरफेस पे, सॉरी ये एक रिसेप्टर है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है, एक्चुअल में ये MHC2 होता है। ठीक है, अब ये MHC2 क्या है? ये भी एक टाइप का सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन ही है जो कि बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, और जब बी सेल किसी भी एंटीजन को प्रेजेंट करना चाहता है तो उस टाइम पे ये MHC मॉलिक्यूल काम करता है। फिर यहाँ पर स्टोरी ये आ जाती है, तो फिर BCR क्या करता है अगर हम इस तरीके से देखना चाहें तो, यानी BCR को भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं ये बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट BCR है, तो अगर कोई MHC मॉलिक्यूल, ये MHC मॉलिक्यूल था, तो अगर MHC मॉलिक्यूल एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है तो BCR क्या करता है, यानी बी सेल रिसेप्टर क्या करता है? तो बी सेल रिसेप्टर जो है ये एंटीजन को इनकाउंटर करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, और जो MHC मॉलिक्यूल है वो एंटीजन को प्रेजेंट करने में मदद करता है। ये सभी डिटेल को मैं आने वाले लेक्चर में कवर करने वाली हूँ, यहाँ पे तो जस्ट मैं एक आउटलाइन ले रही हूँ ताकि आपका एक बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट भी उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, दे हैव सरफेस मार्कर और आइडेंटिफिकेशन मार्कर नोन एज CD19। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSIR एक बार पूछ चुका है कि बी सेल के सरफेस पे कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए दो से चार सेल को देकर कि आप बी सेल को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो अगर आपको उस सेल के सरफेस पे CD19 मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर होता है बी सेल का, तो आप ये आइडेंटिफाई कर जाओगे कि वो जो सेल आपको दिया गया है वो है बी सेल। ठीक है, तो CD19 इज अ सरफेस मार्कर। जैसे कि आपके कॉलेज से आपको एक आईडी कार्ड मिला करता था, वो आपका आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता था, जिससे कि आपके कॉलेज वाले या आपके कॉलेज के जो मेन एंट्रेंस होता था वहाँ से आपको एंट्री मिलती थी, वैसा ही बी सेल के सरफेस के ऊपर भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्कर है जिसकी मदद से हम बी सेल को पहचान सकते हैं, और उसका नाम है CD19। CD इज स्टैंडिंग फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम CD19 कहते हैं। एंटीबॉडी जो कि बी सेल के सरफेस पे पाई जाती है, सारी एंटीबॉडी बी सेल के सरफेस पे बाउंड नहीं रहती है, कुछ एंटीबॉडीज हैं जो कि बी सेल के सरफेस के ऊपर बाउंड रहती है, उसे हम मेम्ब्रेन IgE कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम देते हैं। उनमें से जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं बी सेल के सरफेस के ऊपर वो होती हैं IgM और IgG। ठीक है, नेक्स्ट, बी सेल जो है एक एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, इसीलिए एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है ये, और हम बी सेल मीडिएटेड या बी सेल की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, एज वेल एज हम इसे
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि बी सेल इकलौती ऐसी सेल होती है जो कि एंटीबॉडीज यानी सॉल्युबल प्रोटीन का सिक्रीशन करती है। तो इसीलिए इससे क्रिएट हुआ रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहलाता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म है जो इंटरचेंज बेसिस पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आने के टाइम पे जो है खाली ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इनडायरेक्टली इट इज आस्किंग अबाउट द बी सेल ओनली, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके ओरिजिन एंड मैच्योरेशन की बात करें तो बोन मैरो में होता है, जो कि अभी जस्ट मैंने कवर किया। मैच्योर बी सेल के सरफेस के ऊपर बी सी आर होते हैं, यानी बी सेल रिसेप्टर होते हैं। जब बी सेल एंटीजन से बाइंड करता है, एजी इज स्टैंडिंग फॉर एंटीजन, जब बी सेल एंटीजन से बाइंड करता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन यानी इसका डिवीजन जो है प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल में हो जाता है। प्लाज्मा सेल आगे चल के एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं और मेमोरी बी सेल मदद करती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करवाने में। ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर जो है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे जा चुका है, जिसमें मेमोरी सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर एक एंटीजन एक बार आपकी बॉडी में इनकाउंटर कर गया है और दोबारा से वैसा ही एंटीजन वापस से एंटर करता है, तो आपकी बॉडी उसे फटाफट से पहचान जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में उस एंटीजन के खिलाफ मेमोरी बी सेल प्रेजेंट रहते हैं, और इस रेस्पॉन्स को जो है हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो मेमोरी बी सेल का बनना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं कोविड के अगेंस्ट, उसमें भी पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है मेमोरी सेल्स का ही है। आपकी बॉडी में समहाउ आपको वैक्सीनेट करके जो है आपकी बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को मतलब आपकी बॉडी को सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मेनली रेडी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था मेनली इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी एज वेल कि बी सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सारी ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे क्वेश्चन नहीं आया हो। नेक्स्ट आते हैं बी सेल के सरफेस के ऊपर कितने प्रोटीन प्रेजेंट हैं। ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे पिक्चर, दिस इज अ बी सेल। अब आप देख सकते हैं इसके सरफेस के ऊपर मैंने कितने सारे प्रोटीन्स बना के रखे हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद भी रहना चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको पहले डिफाइन करना चाहूँ, पहले थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे है सी आर टू, जिसे हम सी डी 21 का नाम देते हैं। नेक्स्ट है CD19, जिसे हमने आइडेंटिफिकेशन मार्कर माना था, और नेक्स्ट है TAPA1, जिसे हम CD81 भी कहते हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल बी सेल को रिसेप्टर कहलाते हैं। को रिसेप्टर यानी रिसेप्टर के अलावा भी ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेन रिसेप्टर की मदद करते हैं फॉर देयर स्टेबल बाइंडिंग। ठीक है, उनको हम को रिसेप्टर कहते हैं। फाइन, को का मतलब ही होता है जो रिसेप्टर के साथ में काम करें, तो ये सारे जो हैं को रिसेप्टर कहलाते हैं, ये तीनों के तीनों। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि CD19 कहाँ पाया जाता है, CD81 किस सेल के सरफेस पे पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए BCR क्या होता है। मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन यानी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, एज वेल एज दो और भी यहाँ पे चेन होता है जिसे हम बोलते हैं IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा एंड IgB। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चेन और हैं, IgA एंड IgB। IgA को हम CD79A एंड IgB को हम CD79B के नाम से भी जानते हैं। जब मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड IgA एंड IgB ये दोनों जब एक साथ में काम कर रहे होते हैं तो हम इनको BCR का नाम देते हैं, दैट इज बी सेल रिसेप्टर। किसी किसी बुक में खाली मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन को लेकर ही BCR कहा जाता है, जो कि एकदम मतलब कि जो कि समहाउ सही भी है, लेकिन होता ये है कि जब मेम्ब्रेन IG काम करता है तो समहाउ उस काम को पूरा करने के लिए IgA एंड IgB को एक्टिवेट होना ही पड़ता है, क्योंकि IgA और IgB का किसी भी एंगल से एंटीजन से बाइंड करने का काम नहीं होता है। ये सिर्फ सिग्नलिंग करवाने में मदद करते हैं IgA एंड IgB, लेकिन जो एंटीजन है वो बाइंड करता है मेम्ब्रेन IG से यानी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन से। इसीलिए इसको हम दोनों को मिलाकर जो है हम BCR का नाम देते हैं, क्योंकि किसी एक के अकेले काम करने से ओवरऑल प्रोसेस प्रॉपरली ढंग से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया बी सेल रिसेप्टर की स्टोरी।
आपको सारे नाम याद रखने हैं, अगेन आई एम सेइंग, जैसे आईजी अल्फा को CD79A कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है, बी सेल के सरफेस के ऊपर भी TLR रहता है, ये बात लाइक TLR का जो क्लास लिया था मैंने उसमें भी आपको बताया था, टॉल लाइक रिसेप्टर, कि लगभग सारे ही मैक्सिमम इम्यून सेल के सरफेस पे TLR प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बी सेल के सरफेस के ऊपर CD40 एंड B7, B7 को हम CD80 ऑब्लिक CD86 का नाम से भी जानते हैं। अब ये जो CD40 एंड B7 है, ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब बी सेल एंटीजन से इनकाउंटर करेगा और उस टाइम पे जब वो किसी और इम्यून सेल की मदद लेगा, तो जिस भी सेल की वो मदद लेगा उस सेल के साथ बी सेल की बाइंडिंग को और ज़्यादा स्टिमुलेट करने वाले ये मॉलिक्यूल होते हैं, और ये मॉलिक्यूल के स्टिमुलेशन की वजह से बी सेल एंड टी सेल के बीच में प्रॉपर ढंग से इंट्रैक्शन हो पाता है, इसीलिए हम इसे को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का नाम दे रहे हैं। अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि CD40 किस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है एंड B7 किस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, तो ये बात भी आपको पता चलेगा आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इन दोनों को हम को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इसके अलावा बी सेल के सर्फेस के ऊपर आई कैम्प्स प्रेजेंट है, ठीक है। आई कैम जो है एक टाइप के एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एडहेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो दो सेल्स को आपस में एडहेयर करने में, यानी आप कह सकते हो स्टिक करने में मदद करते हैं, तो एडहेशन में जो है आई कैम 1 मदद करता है, जो कि बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बी सेल के सरफेस के ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो एंटीजन प्रेजेंटेशन के टाइम पे मदद करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बी सेल के सरफेस के ऊपर CD22 भी पाया जाता है, जिसका इनहिबिटरी रोल होता है। तो हमने इतने सारे यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका जिसके बारे में आपको डिटेल पता नहीं चलेगा, सभी को मैं कवर करने वाली हूँ और ये एक ही पाथवे में कवर हो जाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये पाथवे, जिसके थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक मॉलिक्यूल कैसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो आपको माइट भी थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट बिलीव मी दिस इज़ नॉट एट ऑल टफ, ठीक है। यही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाती है अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो। इसके साथ हमने बी सेल का पूरा आज ओवरव्यू पढ़ा है, ठीक है। आज मैंने बहुत डीप में मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा है। अगली वीडियो में मैं इसके सिंथेसिस एज वेल एज इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ एक्टिवेशन कैसे होता है बी सेल का, इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का जितना भी हमने इन्फॉर्मेशन गेन किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एज वेल एज इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।